नमस्कार विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भवानी शंकरो वंदे निबंध, जो कि कुबेरनाथ राय द्वारा रचित है। इस निबंध पर हम इससे पूर्व दो चर्चाएं कर चुके हैं। पहली चर्चा में कुबेरनाथ राय के व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन परिचय से संबंधित जानकारी दे चुके हैं। दूसरी जो चर्चा थी उसमें भवानी शंकरो वंदे निबंध का मूल भाव, मूल कृत्य, मूल प्रतिपाद्य, इस पर हम विचार कर चुके हैं। हमारी इस पर यह तीसरी चर्चा है और इसमें हम भवानी शंकरो वंदे निबंध का पाठ करेंगे, उसे पढ़ेंगे और उसका विचार विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, इस पर विचार करने से पहले हम इस चर्चा में जो आगे पाठ पढ़ेंगे उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आते हैं उनको भी आपके सामने रख रहे हैं। तो देखिए, दर्पण और उसका प्रतीकत्व के बारे में लेखक ने विचार किया है और दर्पण यहाँ पर आंतरिक व्यक्तित्व का प्रतीक है, आंतरिक व्यक्तित्व के लिए आया है। इतिहास की विध्वंसक गति और व्यक्तित्व का विखंडन, इस बात पर विचार आया है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास के तदंतर इस प्रकार की घटनाएं और विकास की गति इस प्रकार से अवरुद्ध हुई कि व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व कई कारणों से टूटकर बिखर गया और जिसके कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना व्यक्ति को, समाज को करना पड़ा। तो उससे सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का जो रूप है वह विकृत हो गया। मानस रूपी दर्पण बाजार में नहीं मिलता, लेखक ने कहा है कि ये जो मानस है, व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व है, ये खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं है। ये सदियों के प्रयास से, सामूहिक प्रयास से इसका निर्माण होता है, इसकी अवधारणा बनती है, उस पर विचार किया गया है। आंतरिक व्यक्तित्व का विखंडन और उसका प्रभाव सामाजिक और सांस्कृतिक अवमूल्यन के रूप में देखने को मिलता है, इस बात पर लेखक ने निबंध में विचार व्यक्त किया है। भग्न आंतरिक व्यक्तित्व को जोड़ने का प्रयास या कि उपचार क्या हो सकता है, इस बारे में लेखक ने निबंध में चर्चा की है। 12वीं से 16वीं शताब्दी की भग्न आंतरिक व्यक्तित्व की समस्या और वैष्णव कविगण और संतगण, इस बात पर भी विचार किया है कि जो व्यक्तित्व के विखंडन की समस्या है, आंतरिक व्यक्तित्व के बिखराव की जो समस्या है, ये आज की ही समस्या नहीं है। सभ्यता और संस्कृति के विकास के क्रम में कई पड़ाव, कई घटनाएं ऐसी होती है जिसके कारण व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व टूट जाता है। तो भारत की जो 12वीं और 16वीं शताब्दी, 12वीं से लेकर 16वीं शताब्दी थी, जो कि बाह्य आक्रांताओं के कारण यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त रही और उसका प्रभाव व्यक्तियों के, समाज के, व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ा और उसके कारण मूल्यों का क्षरण हुआ और उन मूल्यों के क्षरण की अवस्था में, मध्यकालीन अंधकार की अवस्था में भक्ति आंदोलन के फलस्वरूप जो कविगण और भक्त आए थे, उन्होंने इस भग्न आंतरिक व्यक्तित्व को पुनः संयोजित करने का प्रयास किया। इसका वर्णन लेखक ने आगे किया है, श्रद्धा और विश्वास से आंतरिक व्यक्तित्व का पुनर्संयोजन। लेखक इस उपचार में, भग्न आंतरिक व्यक्तित्व के उपचार में जो उपाय सुझाता है वह है श्रद्धा और विश्वास, इसका जिक्र लेखक ने किया है। आगे देखिए, जीवन की मूल इच्छा शक्ति, कर्म और ज्ञान का पारस्परिक असंतुलन और संयोजन, इसका जिक्र किया है कि जीवन के अंदर इच्छा शक्ति, कर्म और ज्ञान का जब पारस्परिक संतुलन बिगड़ जाता है तो किस प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है, आंतरिक व्यक्तित्व किस प्रकार से टूट जाता है और उसका संयोजन किस प्रकार से पुनः किया जा सकता है, इस बात पर विचार किया गया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमेश्वरम शैव और वैष्णव मत का समन्वय इसमें दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह कि इस निबंध का जो मूल आधार है वो रामचरितमानस का जो बाल कांड है उसका ये पद है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमेश्वरम।
इसकी व्याख्या लेखक ने इस निबंध में की है और इस निबंध के लेखन की प्रेरणा भी इसी पद से ली गई है कि जिसमें भवानी अर्थात पार्वती, शंकरो अर्थात शिव, इनकी आराधना और जो कि श्रद्धा, क्रमशः श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है, उनके माध्यम से अपने विचारों की प्रेरणा ली है। आगे देखिए, पराजित जाति और हताश मानसिक स्थिति के उपचार की कथा को भी इसमें निरूपित किया है लेखक ने। इच्छा शक्ति को कर्म से जोड़ने का प्रयास किया है लेखक ने। तो आगे अब चलिए, भवानी शंकरो वंदे निबंध, चूँकि यह एक महत्वपूर्ण निबंध है और इसमें लेखक ने हिंदी की उत्कृष्ट संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर हम शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपकी जानकारी से परे हो सकते हैं। वक्ष सीना, निर्मम निर्दयी, किम्भूत यानी कि कैसा, पता नहीं कैसा, किमाकार किस प्रकार का आकार प्रकार होगा, विनायक गणेश, अनिश्वरवादी यानी कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, चिरहने यानी कि टूट फूट, छोटे छोटे टुकड़े, आकाश कुसुम, अश्वनीड, वृषभ डिम्ब, वंध्यापुत्र, इसका अर्थ है आकाश का फूल, घोड़े का घोंसला, बेल का गर्भ और वंध्या का बेटा, ये सब बातें असंभव सी है। तो इसका तात्पर्य यही कि असंभव बात, चैतन्य यानी कि चेतनापूर्ण, हताशा अर्थात निराशा, आत्मघात यानी कि आत्महत्या, नारी घर्षण बलात्कार, शीलाचार यानी कि अच्छा आचरण, निर्वासन यानी कि निकाला, देश निकाला मिलना, संपृक्त यानी संयुक्त, निरुजता अर्थात दृढ़ता, ऊर्ध्वमूल यानी कि जड़ ऊपर की ओर हो, अधोशाखा डाल नीचे की ओर, व्यष्टिगत अर्थात व्यक्तिगत, पतियाना अर्थात विश्वास, गिरमिट एक विशेष शब्द है, विदेशों में ले जाए जाने वाले मजदूरों को गिरमिट कहा जाता है, ब्रेकडाउन यानी गिरना, नियति अर्थात भाग्य, तमसाच्छन यानी अंधकार से घिरा हुआ, डिक्टेटर यानी कि तानाशाह, प्रणिपात अर्थात चरणों में गिरना, नमन करना, झुकना। तो चलिए निबंध का पाठ करते हैं। हमने कठिन शब्दों को भी देखा है। टूटा दर्पण एक जबरदस्त प्रतीक, दर्पण जब तक टूटा नहीं था तब आकृतियों का सही सही बिंब उतारता था, सारे मूल्य उसके द्वारा अपने असली प्रकृत रूप में व्यक्त होते थे। अर्थात जब तक दर्पण टूटता नहीं है तब तक उसके सामने जो भी आकृति प्रकृति होती है उसको हूबहू वैसा का वैसा ही वह दिखा देता है। लेकिन लेखक कहता है कि इतिहास पुरुष के रुद्र गणों ने आकर ढेलेबाजी की और एक निर्मम पत्थर आया और दर्पण के वक्ष पर गिर पड़ा, फलत दर्पण चूर चूर हो गया, कुछ टुकड़े जमीन पर गिरे, कुछ चौखटे में संलग्न रहे, जो चौखटे में संलग्न रहे वे भी आज कोई आकृति ठीक से उतार नहीं पाते, किम्भूत किमाकार आकृतियां उभरती है, विनायक का चेहरा वानर जैसा और वानर का चेहरा मानव जैसा व्यक्त हो रहा है, सारे के सारे मूल्य इस भग्न दर्पण पर टेढ़े मेढ़े होकर बिंबित हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह कि हम पूर्व में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि दर्पण का तात्पर्य यहाँ पर व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व है। जिस प्रकार से दर्पण के टूटकर बिखर जाने के बाद उसके टुकड़ों में कोई भी आकृति सही सही दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार से इतिहास की क्रूर गति से, इतिहास की विविध नकारात्मक घटनाओं से व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व इस प्रकार से टूटकर बिखर गया है कि व्यक्ति को अपने परंपरागत जो मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, वो भी टेढ़े मेढ़े, विकृत, अनुपयोगी दिखाई देते हैं। अर्थात हमारे सांस्कृतिक मूल्य भी व्यक्ति को आज ठीक और उचित प्रतीत नहीं हो रहे हैं। यह एक प्रकार से भग्न आंतरिक व्यक्तित्व का ही परिणाम है। फलतः एक धारणा हो गई है कि ये चेहरे और ये मूल्य
टेढ़े मूल्य ही टेढ़े मेढ़े हैं, अतः इन चेहरों और इन मूल्यों को लेकर क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह कि जब व्यक्ति को अपने जो आंतरिक मूल्य हैं, हमारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, वो जब टेढ़े मेढ़े दिखाई देने देते हैं, जबकि मूल्य टेढ़े मेढ़े नहीं होते, मूल्य मूल्य ही होते हैं, लेकिन जब आंतरिक व्यक्तित्व के बिखराव के कारण वो जब मूल्य टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, तो व्यक्ति समझता है कि मेरा आंतरिक व्यक्तित्व टूटा हुआ नहीं है, बल्कि ये मूल्य टूटे हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से हम कभी रेल में बैठते हैं, रेल की यात्रा करते हैं, और एक रेल में बैठकर जब वो रुकी हुई होती है और सामने की जो रेल है वो अचानक चल पड़ती है, तो व्यक्ति को लगता है कि मैं खुद चल रहा हूँ, या कि ये जिस ट्रेन में मैं बैठा हुआ हूँ वह चल रही है, उसे भ्रम होने लगता है। यानी कि मूल्यों के प्रति भ्रम की स्थिति व्यक्ति को पैदा हो गई है कि मूल्य, मैं तो ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, शायद हो सकता है ये मूल्य ही टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, इसलिए फेंको इन्हें, त्यागो, तिरस्कृत करो। परंतु कोई भी सोचता नहीं कि यदि यह चेहरा और ये मूल्य न रहे हो रहे तो हम मनुष्य नहीं रह जाते। कहने का तात्पर्य यह कि इन परंपरागत मूल्यों के कारण ही, इन नैतिक मूल्यों के कारण ही, इन मानवीय मूल्यों के कारण ही आज हम मानव हैं, मनुष्य हैं, क्योंकि चेहरा माने व्यक्तित्व और मूल्य माने संस्कृति, सभ्यता, धर्म, साहित्य, शिल्प, ज्ञान, ध्यान, वह सब कुछ जिनकी आवश्यकता भावी अनिश्वरवादी समाजवादी मानव समाज में भी कम नहीं रहेगी। अर्थात इन चीज़ों की महत्ता, चाहे समाज किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उनमें इन मूल्यों की महत्ता हमेशा बनी रहेगी। ये कोई सोच नहीं पाता कि ये चेहरे और ये मूल्य टेढ़े मेढ़े, विकृत, विकलांग नहीं है, ये मानस दर्पण ही है जो इन्हें बिंबित कर रहा है, टूटा है, इसमें ही असंख्य चेहरे, चिरहने और दरारें पैदा हो गई है। यदि इस दर्पण को ही जोड़ दिया जाए, जो कि भव्य दर्पण, जोड़ना बाएं हाथ का खेल नहीं। लेखक कहना चाह रहा है कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे जोड़ना सहज काम नहीं है, और इस संपूर्ण निबंध में आंतरिक व्यक्तित्व को पुनः संयोजित करने की ही कथा लेखक ने कही है, लेकिन ये सहज काम नहीं है। तो यह असाध्य साधन अतीत में कई बार संभव हुआ है। कहने का तात्पर्य यह कि अतीत में भी इस प्रकार का मोड़ आया, समाज ने ऐसा मोड़ देखा है जिसमें व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व टूटा है, लेकिन उसका भी उपाय निकला और संभव हुआ कि व्यक्ति का व्यक्तित्व पुनः संयोजित हुआ। लेखक ने उदाहरण के तौर पर मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में चर्चा की है कि संत और कविगणों ने ऐसा कर दिखाया है। यदि इसके टुकड़ों को परस्पर जोड़कर उस पर पुनः कोई जनमन मंज मुकुर मलहरणी विभूति लगा दी जाए, तो ये सारी विकृतियाँ दिग्भ्रम सिद्ध होगी। अर्थात मेले जो मूल्य टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, विकृत दिखाई दे रहे हैं, वह हमारा भ्रम होगा, भ्रम सिद्ध होकर रहेगा, इस रूप में कि मूल्य टेढ़े मेढ़े नहीं है, बल्कि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व ही टेढ़ा मेढ़ा और बिखरा हुआ है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा, और पुनः सब कुछ अपने प्रकृत रूप में स्थिर हो जाएगा, सही रूप में मूल्य मूल्य प्रतीत होंगे। यहाँ पर कोई चतुर चालाक कह सकता है, फेंको इस टूटे फूटे दर्पण को, मास्को, न्यूयॉर्क, पेकिंग या रावलपिंडी के बाजार से अच्छे दर्पण, नए नए सुंदर मंगा लो। मंगा लेंगे तो मैं उस चतुर चालाक से निवेदन करूँगा कि वे जाकर अपने लिए आकाश कुसुम, अश्व, नीड, वृषभ, डिम्ब, बंध्यापुत्र आदि जो बेसहा मोल करना हो करें। परंतु हम निश्चय जानते हैं कि यह दर्पण खरीदा बेचा नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य कि लेखक कहता है कि ये जो आंतरिक व्यक्तित्व है, नैतिकता है, वो कहीं बाज़ार में नहीं मिलती है, वो बाज़ार में बिकने वाली चीज़ नहीं है, बाज़ार में मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये कोई साधारण दर्पण नहीं है जो किसी बाज़ार से लेकर के आ सके। ये ठीक उसी प्रकार से असंभव सी बात है जिस प्रकार से आकाश के फूल नहीं खिलते, घोड़े का घोंसला नहीं होता,
बैल कभी भी गर्भ धारण नहीं कर सकता और बंध्या कभी भी पुत्र को जन्म नहीं दे सकती या बंध्या का पुत्र नहीं हो सकता। परंतु हम निश्चय जानते हैं कि यह दर्पण खरीदा बेचा नहीं जा सकता, यह दर्पण मन में विधाता रख देता है। लेखक की मान्यता है कि इस दर्पण को विधाता जो कि व्यक्ति के अंतर मन में रख देता है पूरे एक जन्म के लिए और उसी दर्पण के साथ जन्म भरना पड़ता है। ये दर्पण हमारा मानस दर्पण या हमारा आंतरिक संस्कार प्रवाह तल जिस पर सारे मूल्य सारे चेहरे और सारे अनुभव बिंबाकार रूप में व्यक्त होते हैं और उसी रूप में हम उन्हें उपलब्ध करते हैं और अन्य रूप में उपलब्ध करने का कोई मार्ग नहीं है। ये मानस दर्पण न केवल व्यक्ति चैतन्य बल्कि सामूहिक जातीय चैतन्य की चिद धातु से निर्मित होता है जिसकी परंपरा कई सहस्त्रावधि वर्ष से चली आ रही है। इस दर्पण की धातु चिद धातु है। हमारी नियति हमें विनिश्चित देश जात कुल एवं कालखंड में जन्म देती है और उसी के अनुसार सामूहिक चैतन्य हमारे दर्पण का अंग बनता है और उसी के सहारे हमारे व्यक्ति चैतन्य का विकास होता है। अतः बात इतनी सीधी नहीं जितनी चतुर चालाक यार लोग सोचते हैं। आम का जो बीज बोया गया उसके अतिरिक्त व्यक्तित्व का आमूल परिवर्तन करके कटहल नहीं फैलाया जा सकता, चाहे उस आम की लाख क्यों न करें। आंतरिक व्यक्तित्व का परिवर्तन होगा पर उससे जो नया कलमी आम फलेगा वो आम ही होगा। परिवर्तन इस सीमा तक नहीं होगा कि केला या कटहल हो जाए। हाँ, आम को काट करके नष्ट कर दिया जा सकता है परंतु उसे आंतरिक व्यक्तित्व को उसकी सीमा से परे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मानस दर्पण के बारे में भी यही बात है। प्रत्येक सजीवता सत्ता के बारे में भी में यही बात है। कहने का तात्पर्य यह कि आंतरिक व्यक्तित्व के स्थान पर किसी दूसरी वस्तु को नहीं रखा जा सकता। अतः एक ही उपाय है। लेखक अब आंतरिक व्यक्तित्व के विखंडन की समस्या के बारे में बात कर रहा है कि क्या उपाय है। वह है किसी तरह से इस भग्न दर्पण को जोड़ना, इसके आंतरिक व्यक्तित्व को पुनः संयोजित करना और तत्पश्चात इसे पुनः वनवास या कालापानी से निकालकर एक सुंदर पुनर्वास देना। मनुष्य के भग्न आंतरिक व्यक्तित्व अर्थात मानस दर्पण का पुनर्संयोजन और पुनर्वास प्रदान करना यही एकमात्र उपाय है। मनुष्य के टूटे आंतरिक व्यक्तित्व को पुनः शांत स्वास्थ्य सुंदर परिवेश में शांत शिवलोक में विरुजम विशुद्धम मनोभूमि में पुनर्वास देना ही आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आत्मिक मनोवैज्ञानिक समस्या है। कहने का तात्पर्य यह कि आज के आंतरिक व्यक्तित्व के विघटन की जो समस्या है वो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक समस्या है और उस मनोवैज्ञानिक समस्या का हल भी मनोवैज्ञानिक तरीके से ही निकाला जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फल होगा हताशा और आत्मघात अथवा आंतरिक व्यक्तित्व का अनंत निर्वासन। अगर हमने हमारे इस मनोविकार को या कि आंतरिक व्यक्तित्व के विघटन को आत्मिक मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में नहीं देखा और उसे पुनः संयोजित नहीं किया तो उसकी जो समस्या है उसकी परिणति है वो बड़ी खतरनाक हो सकती है। हताशा में परिवर्तित हो जाएगी, आत्मघात में परिवर्तित हो जाएगी, आत्महिंसा में परिवर्तित हो जाएगी और आंतरिक व्यक्तित्व का एक अनंत निर्वासन हो जाएगा। वो आंतरिक व्यक्तित्व फिर कभी भी संयोजित नहीं हो सकता और समाज विश्रंखलित हो जाएगा, समाज में अवमूल्यन बढ़ता ही जाएगा। ये समस्या हिंदुस्तान जैसे गरीब देश के लिए ही नहीं है। लेखक अब यहाँ पर मानकर चल रहा है कि ये आंतरिक व्यक्तित्व के विघटन की समस्या गरीबी और अमीरी के आधार पर नहीं है, उस समाज के परिवेश पर निर्भर करती है। इसलिए कह रहा है कि रूस अमेरिका जैसे समृद्ध देशों के लिए भी है। रूस में लोह यौनिका के पीछे मनुष्य कितनी त्राही में है इसकी कल्पना कभी कभी किसी फांक या दरार से निकली आह से ही लगाई जा सकती है। अमेरिका में तो
इसको खुले तौर पर देखा जा सकता है। अमेरिका और रूस से बढ़कर विकसित देश और कौन हो सकता है। लेकिन लेखक कह रहा है कि आंतरिक व्यक्तित्व के विघटन की समस्या इन बड़े बड़े विकसित देशों में भी है। अगर गरीबी और अमीरी का ही मामला होता तो अमेरिका में ज़्यादा सुखी लोग होते और गरीब देशों में ज़्यादा दुखी होते। बात सन 1958 की है। लेखक विकसित देश अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बात सन 1958 की है। इधर तो हिप्पी आए, नए नए आंदोलन बताते हैं कि अवस्था और बदतर हो ही हुई होगी। अमेरिका यूएसए के सरकारी अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट है। यूएसए में सन 1958 में वर्ष भर के भीतर प्रति 64 मिनट में एक नरहत्या हुई, प्रति 66 सेकंड में एक सेंध काटी और चोरी हुई, प्रति 6 मिनट में एक नारी घर्षण हुआ और बड़े अपराधों की पूरी वार्षिक संख्या रही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट में। आप अंदाज लगाइए कि अमेरिका जैसा विकसित देश, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा समझदार माने जा सकते हैं, बुद्धिजीवी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ भी इस प्रकार की सामाजिक समस्याएं, सामाजिक विकृतियाँ और सामाजिक बिखराव देखने को मिला है कि बड़े बड़े अपराध वहाँ पर हुए हैं। तो इसलिए लेखक कह रहा है कि गरीबी अमीरी का मामला नहीं है, ये आंतरिक व्यक्तित्व के विघटन का मामला है। जहाँ पर आस्था नहीं है, जहाँ पर नैतिकता नहीं है, वहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं पैदा होती है। ये रिपोर्ट पुलिस विभाग में दर्ज आंकड़ों पर है। लेखक कह रहा है कि मैंने जो अमेरिका के आंकड़े दिखाए हैं ये केवल सरकारी आंकड़े हैं और इससे भी कई गुना बिना दर्ज की हुई घटनाएं रही होगी। उदाहरण के लिए नारी घर्षण की घटनाएं बहुत कम पुलिस में दर्ज कराई जाती है, तो भी वहाँ प्रति 6 मिनट में एक घर्षण दर्ज हुआ, अर्थात एक दिन में 240, परंतु असल संख्या इससे कम से कम 10 गुना रही होगी। अतः समृद्धि के बावजूद व्यक्तित्व का आंतरिक विखंडन वहाँ पर भी कहीं से कम नहीं है, वहाँ पर भी है। यहाँ पर सवाल गरीबी अमीरी का उतना नहीं जितना मानसिक ढांचे के भीतर की अराजकता और बदअमली का, अर्थात व्यक्ति का मानसिक ढांचा ही विकृत हो गया है और ये जो अपराध है ये उसी के परिणाम है। रोग शुद्धतः मानसिक है। ये जो आंतरिक व्यक्तित्व का विघटन है ये एक प्रकार से लेखक इसे क्या कह रहा है, आंतरिक जो कि मानसिक रोग है, अतः उपचार भी मानसिक ही होगा, अन्यथा रोग और दवा से परस्पर भेंट ही नहीं होगी। अर्थात रोग और दवा का कोई तालमेल नहीं होगा, इसी को इसका मानसिक उपचार ही संभव है, मनोवैज्ञानिक उपचार ही संभव है। समूची मनुष्य जाति का आंतरिक व्यक्तित्व चूर चूर होता जा रहा है। लेखक कह रहा है कि आज का परिवेश, आज का वातावरण इतना ज़्यादा शुष्क और हताशा भरा है कि उसका आंतरिक व्यक्तित्व चूर चूर होता जा रहा है, टूटा जा रहा है, ये कम चिंता की बात नहीं है। अब लेखक 12वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य भारत में आए आंतरिक व्यक्तित्व के बिखराव का वर्णन कर रहा है कि उस समय के इस समस्या को का किस प्रकार से हल, किस प्रकार से निदान हुआ, कि 12वीं शती से 16वीं शती तक हमारे देश में भारतीय जाति के सम्मुख इसी प्रकार के भग्न आंतरिक व्यक्तित्व की समस्या आई थी। भारतीय जाति का आंतरिक व्यक्तित्व खंडित हो गया था। वह देश के भीतर रहती हुई भी अपने आप को निर्वासित सा रखकर जी रही थी। यह जो कालावधि लेखक ने दी है 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, यह शताब्दी एक प्रकार से बाह्य आक्रमणकारियों की थी जिन्होंने भारतीय संस्कृति को तहस नहस किया, भारतीय सभ्यता को तहस नहस किया और भारतीय मूल्यों के प्रति एक प्रकार से भारतीय लोगों में घोर निराशा सी हुई। इस दुस्सह निर्वासन और आंतरिक विखंडन का उपचार लेकर कौन आए, वैष्णव कविगण और संतगण आए। महाप्रभु चैतन्य देव, महापुरुष शंकर देव, स्वामी रामानंद, गोस्वामी तुलसीदास जैसे महापुरुषों ने आंतरिक विखंडन का उपचार प्रस्तुत किया भक्ति के रूप में, क्योंकि भक्ति में आस्था होती है, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है और इनके बल पर व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व मजबूत होता है। निर्वासन का उपचार प्रस्तुत किया, घर और वन के बीच
मध्यम मार्ग में रहकर शीलाचार की कुटी में जीना। भगवान श्री राम के व्यक्तित्व का उदाहरण यहाँ पर लेखक प्रस्तुत कर रहा है। गोसाई जी ने अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी शीलाचार की कुटी को रामपुर कहा, शंकर देव ने इसे एक शरण कहा, रामानुज ने इसे प्रपत्ति कहा। प्रपत्ति एक प्रकार से भक्ति का नाम है। वास्तव में आंतरिक व्यक्तित्व का विखंडन ही उस समय मौलिक समस्या थी। वास्तव में आंतरिक व्यक्तित्व का विखंडन ही उस समय की मौलिक समस्या थी। निर्वासन का रूप आर्थिक और राजनीतिक था। उसका उपचार तो भक्ति आंदोलन सीधे सीधे नहीं कर सका, परंतु गोस्वामी तुलसीदास और समर्थ गुरु रामदास तथा सिख गुरु गोविंद सिंह ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विक्रम और पौरुष का आदर्श जाति के मानस में प्रतिष्ठित कर दिया, जिसके फलस्वरूप सिख और मराठा अभ्युदय संभव हुआ। परंतु 16वीं शताब्दी का यह निर्वासन आज के निर्वासन की तरह पूर्णतः मानसिक आत्मिक सामूहिक स्तर वाला टोटल एग्जाइलमेंट नहीं था। इसी से भक्ति आंदोलन के लिए मूल काम था आंतरिक व्यक्तित्व का पुनर्गठन, और इसके लिए उन्होंने अद्भुत उपचार ढूंढ निकाला। वो उपचार क्या था? श्रद्धा और विश्वास का, सकल भवरूज नाशक नाम जप का। कहने का तात्पर्य यह कि भक्ति आंदोलन के समय इन संतों ने निराश भारतीय जनमानस के सामने नाम स्मरण की महत्ता का प्रतिपादन किया, और जनता ने इस नाम स्मरण का सहारा लेकर जो विदेशी आक्रांताओं के कारण भारत में निराशा का वातावरण आच्छादित हुआ था उससे वो पार कर गए। और तथ्य तो यह है कि चाहे 19वीं सदी हो या 20वीं सदी, आंतरिक व्यक्तित्व विखंडन एवं आत्मिक मानसिक निर्वासन के लिए श्रद्धा प्रीति भक्ति प्रेम को छोड़कर जो वास्तव में एक ही भाव के भिन्न भिन्न रूपांतर है और कोई उपचार ही नहीं है। महाकवि दांते भी अपने निर्वासन के इसी प्रेम के माध्यम से काटकर जीने का साहस और मानसिक निरुजता प्राप्त करते हैं। जीवन का मूल है इच्छा शक्ति। अब यहाँ पर लेखक एक महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग कर रहा है, इच्छा शक्ति। और जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति होती है वो जीवन की हर समस्या का सामना कर लेता है। लेकिन जब आंतरिक व्यक्तित्व का विखंडन होता है तो सबसे पहले उसकी इच्छा शक्ति खत्म होती है, और जिसे लेखक ने जीवन की मूल शक्ति माना है। जीवन की मूल शक्ति है इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति के बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति कायम है, इच्छा शक्ति जिंदा है, वह हर समस्या को का सामना कर लेता है, हर समस्या से निजात पा लेता है और जीवन को सुखदायक बना लेता है। खंडित व्यक्तित्व में यही कर्म और ज्ञान से विच्छिन्न रहती है कि व्यक्ति के पास ज्ञान हो, कर्म करने की क्षमता भी हो, लेकिन इच्छा अगर नहीं है, ज्ञान है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, कर्म करने की शक्ति है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, तो फिर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति निराश ही रहेगा। इसी को श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से चैतन्य करके ज्ञान और कर्म के बीच प्रतिष्ठित करते हैं। एक ओर ये ज्ञान से संयुक्त रहती है, दूसरी ओर ज्ञान संयुक्त अपनी प्रेरणा को यह कर्म से जोड़ती है। यानी कि कर्म और ज्ञान इच्छा से युक्त होते ही जीवन तुरंत गतिशील हो जाता है। फलतः कर्म भी सक्रिय हो जाता है। ज्ञान इच्छा और कर्म से व्यक्ति या जाति के मन में यह त्रयी चैतन्य विद्युत से परस्पर संपृक्त हो जाती है तो त्राण और निर्वासन मुक्ति में देर नहीं लगती। अर्थात ज्ञान और कर्म में जब इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है तो एक प्रकार से संकट से मुक्ति प्राप्त करने में देर नहीं लगती, और व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व सुदृढ़ हो जाता है और वह जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। पर
इन तीनों में जो प्रेरक है, जिसमें ईश्वर बैठकर सारी क्रिया का संचालन करता है, वह है इच्छा शक्ति, अर्थात मानस का इच्छा केंद्र, व्यक्ति के व्यक्तित्व का इच्छा केंद्र। ज्ञान मस्तिष्क चिंतित और संचित करता है, कर्म अपने हाथ करते हैं। पर ये दोनों कार्य कराता कौन है? इच्छा के केंद्र में बैठा हुआ ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति क्ली कार रूपी भगवती शक्ति। अतः इच्छा केंद्र में बैठे ईश्वर और क्ली कार रूप भगवती अर्थात पार्वती परमेश्वरी के प्रति भक्ति ही इस आंतरिक उपचार का प्रधान सूत्र है। कहने का तात्पर्य यह कि व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व जो खंडित विखंडित हो गया है और एक प्रकार से व्यक्ति मानसिक रोगी की तरह हो गया है, तो उसका उपचार भी एक प्रकार से भक्ति और कर्म और ज्ञान, आस्था और नैतिकता यही है। और इन सब में इच्छा शक्ति सबसे प्रेरित है। लेखक ने यहाँ पर इच्छा शक्ति आदि सभी को आध्यात्मिक रूप देने का प्रयास किया है, इसीलिए पार्वती परमेश्वरी का यहाँ पर जिक्र किया है। गोस्वामी तुलसीदास की यही रोग मीमांसा अर्थात निदान है। यह इच्छा केंद्र में बैठा ईश्वर हमारे अर्जित ज्ञान के प्रति, श्रद्धा को तथा कर्म योजना के प्रति विश्वास को हमारे आंतरिक व्यक्तित्व में निरंतर भरता है। और जब आंतरिक व्यक्तित्व में श्रद्धा विश्वास भरने लगता है, तो व्यक्ति की निराशा तुरंत खत्म हो जाती है। फलतः हम हताश नहीं होते, हिम्मत नहीं हारते, दम नहीं तोड़ते और आशा को लेकर निरंतर चलते रहते हैं। इसी श्रद्धा और विश्वास के अभाव में हम अपने ज्ञान के प्रति आस्थाहीन हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है और ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम उसके प्रति आस्था व्यक्त नहीं करते हैं, विश्वास व्यक्त नहीं करते हैं, अपनी कर्म योजना में विश्वास हार जाते हैं, फल होता है हताशा, अंधकार, कर्म के प्रति वितृष्णा, कर्म के प्रति नफरत, कर्म के प्रति निराशा, कर्म का त्याग और अंत में तो मानसिक आत्मघात, नहीं तो कम से कम मानसिक निर्वासन की समस्या तो पैदा हो ही जाती है। इसी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि असल बात है श्रद्धा और विश्वास। और इस जो पद इस निबंध के आधार में है, वहाँ पर श्रद्धा और विश्वास है पार्वती और शिव के प्रतीक के रूप में। इच्छा शक्ति का अर्थात इच्छा के केंद्र में बैठी ईश्वरीय शक्ति का ही एक रूप है श्रद्धा और विश्वास। ईश्वरीय शक्ति हमारी इच्छा के केंद्र में बैठी हुई है, अपने स्वयं का वितरण कर रही है श्रद्धा और विश्वास के रूप में। हमारे संपूर्ण आंतरिक व्यक्तित्व को, हमारी सारी मनोभूमि को वह श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही से ओतप्रोत कर रही है। इसी से गोस्वामी जी ने अपने महाकाव्य में वाणी विनायकों की वंदना के बाद द्वितीय श्लोक इस प्रकार लिखा है। सबसे पहले वो भगवान जो कि गणेश जी की वंदना करते हैं और फिर पार्वती और शिव की वंदना करते हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति के अपने अंतर मन में बैठा हुआ ईश्वर है उसको पहचानने की शक्ति मिलती है। तो वो लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि इस श्रद्धा विश्वास रूप अंतस्थ ईश्वर को जगा दिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि इस श्रद्धा विश्वास रूप अंतस्थ ईश्वर को जगा दिया जाए तो वह टूटा हुआ दर्पण, खंडित व्यक्तित्व जिसमें इच्छा, ज्ञान, इच्छा और क्रिया के तीनों केंद्र परस्पर टूटकर विच्छिन्न हो गए हैं, यानी कि व्यक्तित्व में जो इच्छा, क्रिया और ज्ञान है, इनका पारस्परिक संतुलन बिगड़ गया है, अपने आप जुड़ जाएंगे अगर हमने ऐसा किया तो।
एक तरह से यह श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी क्या संपूर्ण भक्ति आंदोलन का ही सार और मर्म उपस्थित कर रहा है। गोस्वामी जी का मंगलाचरण ही बड़ा विचित्र है। प्रथम श्लोक मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, कर्म तत्व प्रधान है, ईश्वर को कर्ता रूप में देखा गया है। द्वितीय श्लोक है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, इच्छा तत्व प्रधान है और ईश्वर को इच्छा शक्ति श्रद्धा विश्वास प्रीति और प्रतीति के रूप में देखा गया है। तीसरा श्लोक है वंदे बोधम मयम गुरुम शंकर रूपिणम, ज्ञान तत्व प्रधान है और ईश्वर को ज्ञान रूप में देखा गया है। पर तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल है बीच वाला श्लोक, जिसमें क्या लिखा है श्रद्धा और विश्वास पर बल दिया गया है। श्रद्धा विश्वास वाला श्लोक क्योंकि यह ईश्वर रूप इच्छा के उन्मेष के लिए वंदना है कि व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व में जो ईश्वर स्वरूप इच्छा बैठी हुई है उसको जागृत करने के लिए ही ये श्लोक लिखा गया है, क्योंकि ये ईश्वर रूप इच्छा के उन्मेष के लिए लिखा गया है। उन्मेष का अर्थ उदित होना या प्रकट होना। इसकी जड़ है ज्ञान शक्ति में और इनका चरम पल्लवन है, चरम विकास है कर्म शक्ति में, यानी कि ज्ञान शक्ति के माध्यम से ही कर्म शक्ति जागृत होती है। लेकिन इससे भी बढ़कर बात यह है कि इच्छा शक्ति जब जागृत होती है तो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाती है। परंतु यह प्रतीक ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा की तरह यहाँ उपस्थित किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं कर्म प्रधान वंदना से और तब इच्छा शक्ति और अंत में बोध शक्ति के देवताओं की ओर उन्मुख और नतमुख होते हैं। और विशिष्ट बात यह है कि ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण श्लोक शिव वंदना है, शिव जी की वंदना से संबंधित है। प्रथम तीन शिव वंदना है और तदंतर के तीन श्लोक वैष्णव वंदना है। शिव और वैष्णव ये उपासनाओं के प्रकार हैं। शिव वंदना को प्राथमिकता एक बड़ी ही महत्वपूर्ण संकेत है। शिव वंदना को प्राथमिकता देना एक महत्वपूर्ण संकेत कर रहा है। वैष्णव कवियों में गोस्वामी जी और समर्थ गुरु रामदास दोनों ही रुद्र शक्ति के उपासक हैं। दोनों भवानी के प्रति श्रद्धाशील हैं, अर्थात पार्वती के प्रति श्रद्धाशील हैं। फलतः दोनों पौरुष प्रधान शक्तिधर शील के कवि हैं। दोनों इस पराजित जाति की इच्छा शक्ति को कर्म की ओर मोड़ने का स्वप्न देखते हैं, अर्थात तुलसीदास जी और रामदास जी, गुरु रामदास जी, समर्थ गुरु रामदास जी की जो मूल भावना है कि भारतीय जाति जो विदेशी आक्रमणकारियों के कारण अपने आप को पराजित और निराश महसूस कर रही है, उसकी इच्छा शक्ति को व्यक्ति कर्म की ओर मोड़ने का प्रयास करती है और इसीलिए उन्होंने इन श्लोकों को ये रूप दिया गया है। इसके विपरीत वल्लभाचार्य और चैतन्य देव इच्छा शक्ति के ही आनंद लोक में प्रवेश कर अपने को स्वस्थ और निरुज विशुद्ध करने का तथा अपने निर्वासन को पराजित करने का उपदेश देते हैं। परंतु गोस्वामी जी ने बिना क्रिया शक्ति की उपासना के वैष्णवता को अधूरी माना और वे इस सूक्ष्मतम कारण के फलस्वरूप भवानी शंकरों के प्रति शरणागत हुए हैं, अर्थात शिव और पार्वती जी की तरफ शरणागत हुए हैं, क्योंकि वे व्यक्ति के अंतर व्यक्तित्व में निवास उस ईश्वरीय शक्ति को जगाना चाहता है, उसके प्रति आस्था जगाना चाहते हैं। यूँ इस बात का शैव वैष्णव समन्वय के रूप में एक सामाजिक अर्थ भी है, क्योंकि शैव और वैष्णव दो अलग अलग उपासना पद्धतियां हैं जिनके पीछे लोग भक्त लोग
लड़ते रहते हैं कि शिव उपासना बड़ी है या वैष्णव उपासना बड़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने समन्वय का मार्ग अपना करके शिव वंदना को भी, शिव उपासना को भी महत्व दिया है और वैष्णव उपासना को भी महत्व दिया गया है और एक प्रकार से सामाजिक समरसता का वातावरण प्रस्तुत किया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जो समूचा साहित्य है वो एक प्रकार से समन्वय की विराट चेष्टा भी प्रतीत होता है। पर शिव को ऐसा महत्व देने का कारण सूक्ष्मतर था। महाशक्ति के भैरव शिव की उपेक्षा करके शक्ति का प्रसाद पाना संभव नहीं था, पार्वती जी का प्रसाद पाना संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने जो कि यहाँ पर इस पद की उपस्थिति की है, चूँकि ये निबंध एक बड़ा निबंध है इसलिए हमने इस पूरे निबंध को दो भागों में विभाजित किया है। अगली चर्चा भी हम इसी निबंध के शेष भाग पर करेंगे। आप देखते रहें। धन्यवाद।